तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की और भी बेंचेस होनी चाहिए? यही क्वेश्चन ना, ब्रांचेस नहीं, बेंचेस बोली जाएंगी वो। तो हमेशा ध्यान रखो कि लॉ मस्ट बी एक्सेसिबल टू द कॉमन मासेस। आम आदमी के लिए कानून तक पहुंच होनी चाहिए, अदालतों तक पहुंच होनी चाहिए। इस बारे में विचार विमर्श चलता है। हम लोगों का ये मानना है और सबका मानना है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो प्रेसिडेंट के साथ मिलकर के डिसाइड कर सकती है, वो कहीं और भी बेंचेस और सिटिंग कर सकती है। यही है ना नियम, कानून तो यही है हमारा। तो सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस बनाने के पीछे कुछ लॉजिक्स हैं और कुछ लॉजिक्स हैं कि क्यों नहीं बनानी चाहिए। दोनों लॉजिक्स हमको पता होने चाहिए। पहला लॉजिक तो ये है कि यदि किसी का कोई कोर्ट, कोई केस सुप्रीम कोर्ट में है, तो यदि कोई व्यक्ति केरल या तमिलनाडु से है, नॉर्थ ईस्ट से है या वेस्ट से है, तो उसको दिल्ली पहुंचने में, आने जाने में टाइम भी लगेगा और पैसा भी ज्यादा लगेगा, होटल के खर्चे भी लगेंगे या कहीं रहेगा तो परेशान होगा। तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच हमारे देश में कई जगहों पर रख देनी चाहिए। जैसे हम मान सकते हैं कि मुंबई में एक रख दी जाए तो वेस्टर्न वाला देख लेगा, एक चेन्नई में रख दी जाए तो दक्षिण भारत के व्यक्ति देख लेगा, एक कोलकाता में रख दी जाए जो पूर्वी भारत को देख लेगा। तो यदि सुप्रीम कोर्ट की ये बेंचेस हो जाती हैं तो पूरे ओवरनाइट में लोग अपनी अपनी जगहों पर पहुंच करके न्याय प्राप्त कर सकेंगे, ये बात कही जाती है। ठीक है, एक तो ये हो गया। और नहीं रखनी चाहिए, इसके पीछे भी कुछ कारण है। उनका कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जब बनती है तब बहुत सारे जजेस की जरूरत होती है। ठीक है, जज आपस में भी बहुत सारी चीजें बैठ करके जब बैठते हैं तो इनफॉर्मल डिस्कशंस में भी बहुत सारे जुडिशियल एंगल्स उनको मिलते हैं, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ कानून नहीं देखता है, वो कानून का अलग तरीके से निर्वचन भी करता है, जिसको हम इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। और वो सोशल भी हो सकता है, इकोनॉमिक भी हो सकता है, रिलीजियस भी हो सकता है। इन सबके इंटरप्रिटेशंस के लिए जरूरी है कि वो आपस में बैठ करके कई सारे जजेस कुछ इनफॉर्मल डिस्कशंस भी कर लें। और ये जरूरी, ये तभी हो सकता है जब दिल्ली में बैठ करके बात हो रही हो। तो ये एक बात जो कहती है कि सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस नहीं हो तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना ये है कि कम से कम 3 बेंचेस और होनी चाहिए, एक मुंबई में, एक चेन्नई में और एक कोलकाता में, जो ईस्ट, वेस्ट और साउथ की नीड्स को पूरा कर सके। क्योंकि उत्तर भारत में तो है ये सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में, तो मेरा ये मानना है कि यदि हो जाएगा तो न्याय थोड़ा सा सरल तरह से, सुगम रूप से, सहज रूप से लोगों की पहुंच वहां तक हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में अपील करने में कोई डरेगा नहीं। ये है। लेकिन एक और कहना है, कई लोग कहते हैं कि जब आर्टिकल 32 के तहत कोई जाता है तो उसमें लिखा हुआ है कि व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है सीधे, ठीक है, रिट पिटीशन के लिए। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम तो ये चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है वही रिट पिटीशन में हाई कोर्ट के पास भी पावर होती है। तो आदमी को सुप्रीम कोर्ट में आने के पहले रिट पिटीशन में आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में जाना चाहिए अपने, ताकि वो अपनी बातों को वहां पर देख सके। सिंपल। तो दोनों कंडीशंस हमारे पास हैं, आर्टिकल 26 वाली, आर्टिकल 32 वाली बात आएगी, आर्टिकल 226 वाली भी बात आएगी। थॉट प्रोसेस भी आपको बड़ा स्पष्ट हो जाएगा, जिस पे आप बोल सकते हो कि बेंचेज क्यों होनी चाहिए और बेंचेज क्यों नहीं होनी चाहिए, दोनों आपके पास एकदम है। इसमें फाइनेंशियल बात मत करना। लोग कहते हैं कि यदि अलग अलग जगह पर बेंचेस बना दी जाएंगी तो उसकी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। याद रखना हमेशा, न्याय से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी जिंदगी में कुछ नहीं होता है। उसमें लागत यदि सरकार की लगती है तो वो आवश्यक है, क्योंकि यदि किसी बुराई को दूर करने के लिए सरकार का पैसा लगता है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। कई लोग इकोनॉमिक एंगल ले लेते हैं इसमें, छोड़ देना उसको।
और कोई क्वेश्चन? सब कैटेगराइजेशन ऑफ एससीज। देखो, सब कैटेगराइजेशन ऑफ एससीज या अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण, यही है ना, सब कैटेगराइजेशन उपवर्गीकरण कर दिया जाए। क्यों किया जाए, उसके पीछे कारण है। एक कारण जो कहा जाता है, जो पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल्स का थॉट प्रोसेस है, राजनीतिक प्रशासनिक क्षेत्र में जो कहा जाता है, वो ये कहते हैं, और इकोनॉमिक भी है, सोशियोलॉजी भी ये कहती है, कि जो आरक्षण का लाभ मिला है वो अनुसूचित जातियों की भी कुछ विशेष जातियों को ही मिल पाया है, जबकि बाकी सभी अनुसूचित जातियां अभी भी पिछड़े स्तर पर हैं। उनका यह भी कहना है कि क्या अनुसूचित जातियों में भी हम क्रीमी लेयर लेके आ जाएं? बात समझ में आ रही है? क्या अनुसूचित जाति में भी हम क्रीमी लेयर लेके आ जाएं? क्योंकि ये देखा गया है कि जिस परिवार में कोई कैबिनेट मिनिस्टर हो, कोई आईएएस हो, आईपीएस हो, क्लास वन गजटेड ऑफिसर्स हो, उनके बच्चों को भी वही सहूलियतें मिलती हैं जो बाकी बच्चों को मिलती हैं। अच्छे स्कूल्स में पढ़ना, अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ना, अच्छे ट्यूशंस लेना, अच्छा खान पान होना, किताबें कॉपियों की कमी नहीं होना, समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना, ये सब उनको मिलता है। ऐसे में जब उनको आरक्षण मिल जाता है तो उन्हीं की जातियों के उन लोगों को जिनको कुछ भी नहीं इस तरीके का है, न जिनके पास अर्थ है, न जिनके पास सम्मान है, न सामाजिक स्थिति है, और वो अभी भी गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, वो अपने ही भाई बंधुओं के अधिकारों का हनन करते हैं, शोषण करते हैं। तो ऐसे में ये जरूरी है कि हम जातियों का यदि सब कैटेगराइजेशन कर देंगे तो जिन जातियों में अभी भी आरक्षण नहीं पहुंच पाया है, उन जातियों को भी आरक्षण प्राप्त हो जाएगा, और वो भी समाज और अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में आ जाएंगे। ये बात कही जाती है क्योंकि कहते हैं कि आरक्षण ने आइलैंड्स ऑफ प्रिविलेजेस का निर्माण किया है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कि इसने विशेषाधिकारों का द्वीप बना रखा है। इस द्वीप पे कुछ ही जातियां हैं, अनुसूचित जातियां, कुछ ही अनुसूचित जनजातियां हैं, कुछ ही परिवार हैं जिन्होंने इनका लाभ उठाया है, बाकी अभी भी इनके लाभों से वंचित हैं, ये बात कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जाता है, यदि सब कैटेगराइजेशन कर दिया जाएगा तो समाज में फिर से विरोध की राजनीति होगी, ईर्ष्या की राजनीति होगी, विद्वेष की राजनीति होगी, और समाज का पुनः खंडन विखंडन और टूटन होगा। इसलिए इस बात पर कभी भी जब कोई निर्णय लिया जाए तो सबके साथ विचार विमर्श करके लिया जाए, ताकि उन लोगों का जिनका लाभ भोग नहीं पा रहे हैं, जो लोग लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, वो उससे लाभ प्राप्त कर सकें, और वो लोग जिन्होंने लाभ अभी तक प्राप्त कर लिया है वो उस लाभ को छोड़ने के लिए तत्पर भी हो, ताकि उनके भाई लोगों को भी आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हो। ये बात ध्यान रखनी है हमको। ये सब कैटेगराइजेशन ऑफ कास्ट है। ये टॉपिक सारे तुमने दिए हैं क्या विनोद? इन लोगों ने भी कुछ बोलने इसमें से? ये टॉपिक्स तुमने दिए? इन लोगों से डिस्कस किया था कुछ? इनसे डिस्कस किया है, ठीक है। फिर और कोई? फार्मर प्रोटेस्ट पे अभी नहीं बात करूंगा मैं, उसके पीछे कारण बताता हूँ। 4-6 दिन में भी पता लग जाएगा क्या होने वाला है, उसके बाद डिस्कशन होगा। हमारे दिमाग में आते समय यही था, तुम क्वेश्चन करोगे ये, लेकिन मेरे दिमाग में भी ये था, हम पहले तैयार रहते तुम्हारे क्वेश्चन के लिए, कि 5-7 दिन बाद देखा जाएगा इसको। क्यों? क्योंकि 5-7 दिन में ये सेटल होंगी, तब देखेंगे हम इसको क्या करना है। बहुत पुराना हो गया, एक वीडियो पड़ा हुआ कुकी मेहतई का, रोज हो रहा है वो। लेकिन कुकी मैतेई जो है उसके बहुत सारे कारण हैं,
हमने शायद कभी आपको एक तुलना की थी जो आपको याद होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ ऐसी जनजातियां जिसमें इस तरह की परेशानी है, ठीक है, और वो कौन सी है? हुतूज और तूतसीज में ये परेशानी है। समझा देते हैं, हुतूज एबोरिजिन्स हैं, कौन है? एबोरिजिन्स हैं, और तूतसीज बाहर से आए हुए हैं जो अंग्रेज लेकर के आए थे। हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, रवांडा की बात कर रहे हैं अभी हम, रवांडा बुरुंडी की। तो जो हुतूज हैं उनके पास पॉलिटिकल पावर है, और जो तूतसीज हैं उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है क्योंकि पढ़ के आए। सेम कहानी हमारे देश में कुकी और नागा की है, लेकिन जो हमारे यहां ये कहानी मैतेई की है वो अलग है। कुकी और मैतेई वाली कहानी पूछ रहे हो आप लोग, है ना? इसमें कहानी ये है कि मैतेई जो हैं उनको कास्ट में रखा जाता है, जातियों में रखा जाता है, और जो कुकीज हैं वो ट्राइब्स में रखे जाते हैं, ठीक है। इनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट ये है कि जो इनकी जमीनें हैं वो ट्रांसफर नहीं हो सकती हैं, लेकिन जो मैतेई हैं ये भी अति पिछड़े हुए लोग हैं, ठीक है, और ये हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, जबकि कुकीज अन्य जात अन्य धर्मों का भी आपको पता है, ठीक है। तो इनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट एक रिलीजियस हो जाता है, दूसरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो जाता है, तीसरा पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो जाता है, और चौथा जो कुकीज खास तौर से ओपियम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो उनको इंटरनेशनल सपोर्ट दिलवा देता है, क्योंकि वो वहां से सीधे एक स्मगलिंग एक्टिविटीज से बाहर चली जाती हैं, इसीलिए वहां पर ये विरोध है, ठीक है। इस पर किसी दिन हम आराम से एक फिगर बना के बता देंगे, आपको बेहतर समझ में आए। वैसे यदि देखना चाहो तो एक पूरा हमने आर्टिकल इस पर बोला हुआ है, उसको सुन लीजिएगा आप लोग। यूट्यूब पे यदि आप देखते होंगे हमारे वीडियोस तो आपको वहां मिल जाएंगे। इंडिया वर्सेस भारत, देखो इंडिया वर्सेस भारत में आपको पता है भारतवर्ष हमारा मौलिक नाम है, जो भरत और शकुंतला के पुत्र की वजह से हुआ है। इसी तरह से जब 10 राज्य युद्ध हुआ था तो भरत जनजाति के राजा सुदास को जीत प्राप्त हुई थी, ऋग्वैदिक 10 राग युद्ध, ठीक है, और इसीलिए हमने अपने देश का नाम भारतवर्ष रखा। इंडिया हम लगातार इतने दिनों से कहते आ रहे हैं, इंडिया दैट इज भारत, आर्टिकल 1 में लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, ये लिखा है ना। अब यहां पर इंडिया हमने शब्द क्यों लिया, इसके पीछे कहानी अलग हो सकती है, लेकिन सामान्य तौर पर जो इंडिया शब्द है ये जो अमेरिकन्स हैं, ब्रिटिश हैं, उन्होंने इंडियन नाम उन लोगों के लिए रखा जो लोग कमजोर थे, जो एबोरिजिन्स थे वहां के। जैसे जब कोलंबस अमेरिका पहुंचा है, नॉर्थ अमेरिका, तो उसने जो वहां के ट्राइबल्स थे, जो उनकी एबोरिजिन्स थे, उसको कहा ये आर इंडियंस, जिनको आज आप रेड इंडियंस के नाम से जानते हो। तो एक तरह से कहा जाए वो गरीबी का मजाक उड़ाने के लिए, उनको कमजोर दिखाने के लिए, कल्चरली सांस्कृतिक रूप से पिछड़ेपन का प्रतीक करके उन्होंने इंडियन शब्द दिया था। इंडिया में इंडिया के पीछे ये कारण था, या इंडस नदी के कारण इंडिया हुआ, ये भी तो एक है, तो ये हम स्पष्ट नहीं, लेकिन फिर भी इंडियन नाम से हमको थोड़ा सा अलग होने का प्रयास अब करना चाहिए, क्योंकि भारत शब्द अच्छा, और हर देश का जो नाम होना चाहिए वो उसके अपने ही भाषा में होना चाहिए, ना कि किसी आयातित विदेशी भाषा में।
इसलिए भारतवर्ष का नाम, यदि भारतवर्ष रहेगा तो बेहतर रहेगा। ठीक है, अब देखो वो कहानी अलग है जो तुम लोग सुनना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड और इललेजिटिमेट घोषित कर दिया है। ठीक है, उनका कहना है कि इससे राइट टू इंफॉर्मेशन जो है, जो सूचना के अधिकार का हनन हो रहा है, क्योंकि एक वोटर को ये जानने का अधिकार है कि किस दल को किस तरह के व्यक्ति, किस तरह की संस्थाएं, किस तरह के कॉरपोरेट घराने चंदा दे रहे हैं, और क्या कहीं इस चंदे की वजह से, दो तीन तरह की चीजें हैं ध्यान रखना, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को जो चंदा मिल रहा है उसका उपयोग कुछ आंदोलनों को भड़काने में होता है, देश के अंदर कलह फैलाने के लिए होता है, राष्ट्र हित के बजाय राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को संचालित करने के लिए होता है, तो ये ऐसी कौन सी ताकतें हैं। और यहां तक कि सरकार के पर भी आरोप लगा देते हैं लोग कि सरकार कुछ कॉरपोरेट शक्तियों के कारण उनके बेहतरी के लिए कुछ नीतियां बना देती है, जो कि गलत है। राजनीति में दोनों ही स्थितियां गलत है, और इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने इसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया। ये तो आपको पता है, और ये कहा जिनको जिनको पैसा लौटाना लौटाओ आप, तो और सबका नाम इंटरनेट पे डालो, कहा गया ना। तो ये एक अच्छा कदम भी हो सकता है और रेग्रेसिव भी हो सकता है, दोनों कदम है। ये अच्छा कदम ये है क्योंकि इसमें जो पैसा कहां से आ रहा है और किसके पास जा रहा है, ये इसकी पारदर्शिता नहीं थी, इसको लाने का प्रयास है। खराब कहां से है? खराब इस तरह से है कि यदि ऐसा होगा तो राजनीतिक दलों को चंदा तो मिलेगा, लेकिन वो राजनीतिक दलों को चंदा औपचारिक मार्ग से न मिलकर के अनौपचारिक मार्ग से जाने लगेगा, जिसको हम ब्लैक मनी इकोनॉमी कहते हैं। तो यदि ब्लैक मनी इकोनॉमी शुरू हो गई तो शोषण, दोहन, ये दोनों शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को डरा करके, धमका करके उस तरह का कैश पेमेंट लोगों से लेना शुरू कर सकती हैं। तो यहां पर यह विचारणीय है कि हम इस बात पर भी नजर रखें कि यदि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को बंद किया गया है तो इनके चंदा लेने की प्रक्रिया को किस तरह से रेगुलेट किया जा सके, नहीं तो आम आदमी, कॉरपोरेट सेक्टर्स और बिजनेसमैन, हर एक आदमी प्रताड़ित होने लगेगा। ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, देखो मेयर इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया डिसीजन, अब तो कुछ बचा ही नहीं उसमें, वो तो बहुत स्पष्ट हो चुकी चीजें, कोई कहने वाली बात रही नहीं। देखो राम हमारी आस्था के प्रतीक हैं, राम भारत की आत्मा है, राम पुरुषोत्तम है, राम का जीवन हमें प्रेरणा भी देता है और हमारा मनोबल भी बढ़ाता है। प्रेरणा इसलिए देता है क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में जब उनके पास कुछ नहीं था तब भी उन्होंने एक विजय प्राप्त की, असुरों का संहार किया। मनोबल इसलिए बढ़ाता है कि यदि हम कमजोर स्थितियों में हो तब भी यदि हमारे अंदर दूरदृष्टि हो, पक्का इरादा और अनुशासित जीवन जिएंगे तो हम वो अपने लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे जिनकी हमने योजनाबद्ध रूप से चिंतन किया है। ये राम है हमारे। अरब में या यूएई में आपको पता है मैक्सिमम जो इमिग्रेंट्स हैं वो भारतीय हैं, ठीक है, और वहां पर भारतीयों के लिए यदि राम मंदिर बना है तो वो अच्छा है। और दूसरी बात ये है
कि इसको आप किसी धर्म विशेष के नजरिए से ना देखें, इसको आप सांस्कृतिक एकीकरण, धार्मिक पारस्परिक सहृदयता समायोजन संतुलन और भ्रातृभाव के निर्माण के रूप में देखें, और भ्रातृभाव के निर्माण के रूप में देखें तो आप इस मंदिर को पाएंगे कि इस मंदिर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि, राम के चरित्र और राम के मर्यादा पुरुषोत्तम रूप को प्रतिष्ठित करने में एक अहम और प्रगतिशील भूमिका का निर्वहन किया है। आज आप लोगों को लग रहा हो मैं हिंदी में क्यों बोल रहा हूं, कारण है उसका, क्योंकि आप में से मैक्सिमम हिंदी मीडियम के इंटरव्यू में देने वाले, ठीक है ना, मैक्सिमम लोग इंटरव्यू हिंदी में दोगे ना, इसलिए कि आपके पास शब्द तो कम से कम रहे कि बोल पाओ, नहीं तो बोल ही नहीं पाओगे। आज के लिए बस इतना।